देखिए बेटे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 लिमिट का, और इस लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस करूंगा। देखिए जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है अभी। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस अंडर रूट एक्स माइनस 4 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। ओके बेटे, दो फंक्शंस हैं, यानी कि जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इनकी हम बात करते हैं, ठीक है जी। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 4 है तो अंडर रूट एक्स माइनस 4 का ग्राफ बनाना है आपने, और जब आपका एक्स लेस देन 4 है तो 8 माइनस 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है जी। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं अंडर रूट एक्स माइनस 4 की बात कर लेता हूं। कौन सा एक्सिस है भाई? y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है। ओके, हम सभी जानते हैं कि जो अंडर रूट एक्स का ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि अंडर रूट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ऑब्वियसली नीचे नहीं आना, इसलिए इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और x में 4 माइनस हो रहा है, ना कि पूरे फंक्शन में 4 माइनस हो रहा है, सिर्फ x में 4 माइनस हो रहा है, तो मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा 4 डिस्टेंस। ओके, सो यहां से मैं इसको 4 डिस्टेंस इधर शिफ्टिंग करने वाला हूं, सो ये ग्राफ इधर ऐसे चला जाएगा। ओके, सो ये जो मैंने ग्राफ अभी ड्रॉ किया, ये है अंडर रूट एक्स माइनस 4 का ग्राफ। और ये ग्राफ कब चाहिए हमें? जब 4 ग्रेटर, एक्स जो है 4 से ग्रेटर होगा। चलिए भाई, यहां देखिए x 4 से ग्रेटर, 4 इंक्लूड नहीं किया उसने बेटे, 4 से ग्रेटर ये ग्राफ आ गया। फिर मैं बात करता हूं 8 माइनस 2x की। देखिए बेटे, 8 माइनस 2x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे माइनस 2x का ग्राफ बनाना है। देखिए ये 2x का ग्राफ होता है, माइनस 2x ऐसे जाएगा, x एक्सिस के अबाउट मिरर में जाएगी, ठीक है जी। और इस ग्राफ को आपने शिफ्टिंग करनी है इसकी, माइनस 2x की। 8 डिस्टेंस, लोग सोचते हैं कि इसको 8 डिस्टेंस शिफ्टिंग करनी है, 8 डिस्टेंस शिफ्टिंग नहीं होगी इसकी, माइनस 2x की सिर्फ 4 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, यानी कि माइनस 2x प्लस 8। ये क्यों? क्योंकि ये 0 कहां पे हो रहा है? 4 के ऊपर, 4 पुट करिए, देखिए 0 हो रहा है, ये है ना। सो ये ग्राफ इसका यहां से ऐसे जाएगा। ओके, सो ये हमने जो ग्राफ अभी ड्रॉ किए, ये पॉइंट होगा 0 के ऊपर, इसकी वैल्यू आएगी 0.8। वाई एक्सिस में जरूर 8 शिफ्ट होगा, x एक्सिस में सिर्फ ये 4 डिस्टेंस शिफ्ट होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है जी। यानी कि मैंने माइनस 2x, यानी पूरे फंक्शन में मैं 8 ऐड कर रहा हूं, तो ऊपर मैं जरूर 8 शिफ्ट करूंगा, लेकिन इस साइड में सिर्फ ये 4 डिस्टेंस शिफ्ट होगा। चलिए अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की मैं बात कर लेता हूं। fx ये दिया हुआ, मैंने पूरा क्वेश्चन आई थिंक नहीं लिखा इसका। इफ fx इक्वल टू दिस, सो ही इज आस्किंग लिमिट x टेंड्स टू 4 एग्जिस्ट, कर रही है या नहीं कर रही है? तो लिमिट x टेंड्स टू 4, ज्यादातर जहां फंक्शन चेंज हो रहा होता है ना, वहीं भी लिमिट पूछी जाती है। सो दैट विल बी हियर बेटे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं 4 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, मेरा ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है। राइट हैंड साइड से मैं 4 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, मेरा ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और 4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ब्रैकेट x, साइन ब्रैकेट x अपॉन ब्रैकेट x है, ब्रैकेट x जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, 0 के ऊपर लिमिट पूछी जा रही है इसकी, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। सो देखिए, जब ब्रैकेट x 0 नहीं है, ये मेरा मतलब समझिएगा, और यहां ब्रैकेट x 0 है, ब्रैकेट x 0 कब होता है? जब आपका x 0 और 1 के बीच में होता है बेटे, मैंने कुछ भी पॉइंट गलत नहीं लिखा है। x जो है जब 0 और 1 के बीच में होगा, तो मेरा जो ब्रैकेट x है वो 0 आएगा, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं, जब ब्रैकेट x 0 के इक्वल नहीं है, उस केस में साइन ब्रैकेट x अपॉन क्या आ रहा है? ब्रैकेट x आ रहा है। ओके, सो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे, अगर ब्रैकेट x 0 के इक्वल नहीं है, मान लेते हैं कि जो x है वो आपका x 0 से 1 इसके बीच में आ रहा है, ये फंक्शन 0 से 1 डिफाइंड है, और ये वाला x जब 0 से लेस होगा और माइनस 1 से ग्रेटर होगा, ये बिल्कुल ले सकते हैं। जब इसने बोला कि ब्रैकेट x यहां 0 के इक्वल है, यहां 0 के इक्वल नहीं है, जब ब्रैकेट x 0 के इक्वल नहीं होगा, यहां 0 के इक्वल नहीं है, यहां ब्रैकेट x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1 आएगी। यहां ब्रैकेट x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1। जब x माइनस 1 और 0 के बीच में होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 देता है, और जब आपका x 0 और 1 के बीच में होता है, तो ब्रैकेट x 0 देता है, तो यानी कि यहां ब्रैकेट x माइनस 1 है, और यहां मैं ब्रैकेट x की जगह क्या करूंगा? माइनस 1, और यहां भी माइनस 1। देखिए वैल्यूज क्या आती है, चलिए चेक करिए। यह आ जाएगा साइन
क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा जीरो से इस साइड में, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा, क्योंकि जीरो के हल्का सा आप इधर जाओगे, इधर मूव करोगे तो ये जीरो आएगा, और जीरो से हल्का सा लेफ्ट साइड में आओगे तो ये फंक्शन आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए करिए, ये आएगा साइन ब्रैकेट एक्स, यानी कि ऑब्वियसली लिमिट निकाल रहा हूं मैं इसमें, कौन सी लिमिट है ये, चलो लिख ही देता हूं, ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला होगा साइन ब्रैकेट एक्स, ब्रैकेट एक्स की वैल्यू जब एक्स जो है वो जीरो से छोटा हो, तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या होती है, चलो मैं लिख लेता हूं एक बार, ब्रैकेट एक्स और अपॉन ब्रैकेट एक्स, ये आ जाएगा बेटे लिमिट मैंने पुट की यहां, तो आएगा साइन ब्रैकेट जीरो माइनस एच, मतलब जीरो में से छोटा सा नंबर एक मैंने माइनस किया, और अपॉन जीरो माइनस एच, बेटे इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, साइन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, माइनस वन आएगा, ये आप कैंसिल करिए, माइनस बारह आ जाता है साइन में, है ना, तो माइनस साइन वन और अपॉन में क्या आ रहा है, माइनस वन, ओके, सो ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहां से हमारी वैल्यू आ रही है साइन वन, ओके। सो ये कौन सी लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है जीरो के ऊपर। राइट हैंड लिमिट की हम बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट की बात करिए, चलिए राइट हैंड लिमिट तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगी, आप जो मर्जी कर दो, राइट हैंड साइड आप इधर जाओगे, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और इस बार हमारा एफ एक्स कौन है, जीरो ही है, तो जीरो की लिमिट क्या आएगी, जीरो ही आएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो यहां मैं लिख सकता हूं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, सो वेरी इजी, तो इस तरीके से हम कोई क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो बेटे नेक्स्ट मैंने यह पॉइंट लिखा है सब्स्टिट्यूशन फॉर वन साइडेड लिमिट, है ना, कई बार वन साइडेड लिमिट हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए हम एच का यूज करते हैं, एच एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो जैसे समझ लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है और उसकी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, और किस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, ए के ऊपर, तो मैं ऐसे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं उसकी तरफ अप्रोच करूंगा एक, ठीक है, और वो फंक्शन है एफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा नंबर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं एच, और एच जो है वो क्या है, जीरो से थोड़ा सा ग्रेटर, मतलब 0.001 समथिंग बोल सकते हो, पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे एच, है ना, ये ध्यान रखिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां देखिए, अब लिमिट जो होगी मेरी, वो लिमिट मैंने ये मान लो एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ए माइनस एच, ओके, सो जब आपका एक्स जो था वो ए की तरफ जा रहा था, एक्स ए की तरफ जाएगा तो एच किधर जाएगा, एच जीरो की तरफ जाएगा, आप देखिए, सो यहां आपका लिमिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस एच, और एच को मैं किधर भेज दूंगा, जीरो की तरफ, मतलब बहुत ही माइन्यूट नंबर है और वो जीरो की तरफ जाएगा, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है जी, सिंपल है, आप क्या कर रहे हो, ए में से कुछ माइनस कर रहे हो और एच को जीरो की, एच जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये एफ ए माइनस एच है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटे हमारी, बहुत सिंपल है, ओके। सो यहां मैं एज्यूमिंग एच एज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको एच को आप स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ले लोगे, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक्स जो है वो ए माइनस की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन जो एच है ना जी वो आपका नेगेटिव नहीं होगा, वो जीरो प्लस की तरफ ही जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा, एच जीरो एच नेगेटिव नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, ठीक है जी, ठीक है, और एच जो है वो जीरो प्लस की तरफ है, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा, एच टेंड्स टू जीरो लिखा जरूर है, एच टेंड्स टू जीरो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, वही सेम कहानी है अभी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट हियर एच, वही कहानी फिर से, एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एच, ओके, सो वही है भाई, एक्स जब ए प्लस की तरफ जा रहा है तो एच हमारा जीरो प्लस या जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये सिंपल सी बात है, ओके, तो ये राइट हैंड लिमिट भी हमने यहां लिख दी। एच जो है बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, लिमिट एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, लिमिट ये लिखूंगा, चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स सिग्नम एक्स माइनस वन, ये बड़े मल्टीप्लाई, चलिए कैसे करेंगे इसको, हाँ जी, एक्स इंटू सिग्नम एक्स माइनस वन, हाँ जी बोलिए,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें है नहीं ज्यादा कुछ. सिंपली हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ने फाइंड आउट करनी है, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है. भाई आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं? करें, चलिए शुरुआत करते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करता हूं. लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी जो आएगी वो आएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस, ओके, एक्स इंटू सिग्नम एक्स माइनस वन, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी अभी कराया वो देखो लिखा ही हुआ है. अब मैं एच लेने वाला हूं यहां ना, तो लिमिट और एक्स की जगह क्या लिखूंगा, वन माइनस एच, ओके, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ जा रहा है एच, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस एच इंटू सिग्नम वन माइनस एच माइनस वन, ओके, यहां एक्स की जगह मैंने पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया. सो दैट विल बी हियर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच इंटू सिग्नम माइनस एच, ठीक है. सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी. सिग्नम के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, सिग्नम के अंदर, सिग्नम फंक्शन को जानते हो आप लोग, मैं ग्राफ से बता देता हूं. ये सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि अगर जीरो से आप हल्का सा भी इधर बढ़ गए तो मैं वैल्यू वन दूंगा, और जीरो से आप लेफ्ट साइड में आ गए तो वैल्यू मैं माइनस वन दूंगा. आप बताओ आप किधर, आप वन से माइनस, सॉरी आप कहां हो, एच कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, और आप क्या जा रहे हो, इस साइड में आ रहे हो, लेफ्ट साइड में, ये तो माइनस वन वैल्यू देगा ये पूरे की, ओके. सो ये आ जाएगा वन माइनस एच इंटू माइनस वन, और लिमिट क्या है, एच टेंड्स टू जीरो. अब आप लिमिट पुट करिए इसके अंदर, जीरो पुट किया तो आया वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इज द आंसर, ओके. सो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ओके. हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की. राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां राइट हैंड लिमिट, लिमिट वही फिर से सेम, अगर सेम आ जाती है दोनों लेफ्ट और राइट तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक्स इंटू सिग्नम वही है भाई एक्स माइनस वन. चलिए पुट करिए इसमें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच जीरो की तरफ जाएगा, वही है भाई एक्स की जगह इस बार क्या आने वाला है, वन प्लस एच आने वाला है इस बार, ठीक है. सिग्नम वन प्लस एच माइनस वन, ज्यादातर बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे ही करते हैं एग्जाम में, वो ग्राफ वगैरह या कई टीचर नहीं समझते, वो कहते हैं नहीं बोर्ड के एग्जाम में वो क्या कहते हैं, ऐसे ही करो भैया वन प्लस एच वाला, तो वो भी ठीक है, ग्राफ बना दो वो भी ठीक है ना, इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्या करोगे भाई इसका ग्राफ है ना, तो ये मेथड ज्यादा सही है इसके लिए. चलिए और एच, हाँ इस बार सिग्नम की वैल्यू क्या है, इस बार सिग्नम की वैल्यू वन आने वाली है, बिकॉज एच जो है पॉजिटिव नंबर है और एच यहां कहीं होगा जीरो से थोड़ा सा आगे होगा, तो माइनस एच यहां कहीं होगा, ठीक है. चलिए यह आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच इंटू सिग्नम एच. हाँ जी आंसर बोलिए इसका, ये बेटे सिग्नम एच की वैल्यू अभी तो हमने बोली थी यार, ये लिखा ही नहीं हमने यहाँ, ये होगी वन और वन इंटू वन प्लस एच, तो ये आ जाएगा बेटे जीरो पुट कर दो इसके अंदर तो वैल्यू यहाँ वन आने वाली है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बेटे मैं आगे कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग उससे ट्राई करिएगा, ठीक है. और कुछ क्वेश्चन अभी मैं जो लिखने वाला हूँ ग्राफ से भी हो जाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये एच वाला जो मेथड अभी आपको सिखाया है इस मेथड को आपको क्या कर दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा इस मेथड की, है ना. चलिए और ये लास्ट वाला विजिबल नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो भाई लास्ट में, हाँ ये ठीक है जी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. देखिए बेटे यहाँ मैंने तीन क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने आपको ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बताई थी तो उस टाइम मैंने ये भी बोला था कि भाई देखो क्वेश्चंस कुछ तो ग्राफ से भी हो जाएंगे, लेकिन अभी आपने न्यू न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा है एच वाला, तो कोशिश करो कि उससे क्वेश्चन किए जाए, है ना. जैसे ये दोनों क्वेश्चन आपके ग्राफ से हो जाएंगे, है ना, आराम से ग्राफ से आप सॉल्व कर सकते हो. देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू ब्रैकेट एक्स, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, इसमें भी यही काम करना है और वहां भी यही कहानी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट एक्स की बात कर लेते हैं. ब्रैकेट एक्स में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है टू के ऊपर, सो दैट विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू. सो ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आपका टू माइनस एच. ये मेरा मतलब समझ रहे हो भाई, टू से जस्ट आप क्या आ रहे हो, पीछे आ रहे हो, है ना. ब्रैकेट एक्स का ग्राफ यहां मैं लिख देता हूं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. ब्रैकेट एक्स का ग्राफ आपने देखा ही है, टू से जरा सा पीछे आते हो तो उसकी लिमिट क्या जाती है, मतलब ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या जाती है, टू आ जाती है, तो वही है ना, तो सीधा लिमिट भी वही आ जाएगी. इसकी वैल्यू जब टू आई तो बस हो गया, अब एच बचे नहीं उसमें तो कहां पुट करोगे, है ना, लिमिट पुट ही नहीं कर सकते.
ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी, बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू, चलिए वही कहानी यहां भी है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इस बार आप क्या करने वाले हो, टू में एच ऐड करने वाले हो। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, वन से टू की तरफ हम जा रहे थे, हाँ सही है टू, और टू में वन से अगर आप टू के बीच, सॉरी बैठे यहां गलती होगी, ये वन आएगा और यहां क्या आएगा, इसकी लिमिट जो है, सॉरी इसकी ब्रैकेट की वैल्यू टू आएगी, ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर यहां टू आएगा और ये फिर आंसर टू आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इक्वल नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ग्राफ से समझा देता हूँ, है ना, देखिए ग्राफ वैल्यू के लिए तो कम से कम आना चाहिए ना, वैल्यू से निकालने के लिए, जीरो से वन ये ब्रैकेट एक्स का ग्राफ है, वन से टू, टू से थ्री, ये इनमें काम चल जाएगा हमारा, ये जीरो वन, ये हमारा टू है और ये थ्री है, बेटा टू माइनस एच यहाँ का यहाँ होगा और टू प्लस ये एच यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सो जब आप टू से आगे बढ़ रहे हो तो वैल्यू आपकी क्या दे रहा है, टू दे रहा है, और जब आप टू से पीछे आ रहे हो तो वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है। सो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट इवेलुएट लिमिट, इसका मैं ग्राफ जरूर बनाऊंगा, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट का, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए भाई फ्रैक्शन पार्ट में सबसे पहले वही पानी, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू, टू के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स एच, वही लगा देते हैं सीधा, है ना, डायरेक्टली एच टेंड्स टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट टू माइनस एच, ठीक है जी। अब बेटे जब फ्रैक्शनल पार्ट में हम टू माइनस एच में जाते हैं, देखिए बेटे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए लोगों को, पता ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2.4 है, इसमें एक इंटीग्रल पार्ट है और एक कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें 0.4 है और इंटीग्रल पार्ट 2 है, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ही कौन सी वैल्यू उठाता है, 0.4, 0.6, 0.9, इससे बड़ी नहीं आएगी इसकी कभी वैल्यू, यानी कि 1 से क्या आएगा, हमेशा लेस आएगा। चलिए ग्राफ देखिए, जब आपका कोई भी नंबर 0, 1 के बीच में है तो ये वैल्यू क्या देगा, वही सेम ही दे देगा, है ना। अगर मान लीजिए 0.7 है तो वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट क्या देगा, 0.7 ही देगा, यानी कि अगर इसके अंदर एक्स है तो एक्स ही देगा, यानी कौन सी लाइन बनेगी, एक्स लाइन बनेगी। सो ये आ गया 0 से 1 के बीच में, ये बन गया वाई इक्वल टू एक्स लाइन। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आप देखिए, 1 से कोई नंबर रखो 1 से बड़ा, 1.4 रखा तो वैल्यू क्या देगा, 0.4। 0.4 कैसे आई, 1 में आपने क्या किया, 1.4 में से 1 को माइनस किया, है ना, यानी कि x में से, ये x है अगर, तो x में से 1 माइनस कर रहे हो, सो दैट विल गिव यू, यानी कि y को x लाइन में x माइनस 1, जब आप 1 से 2 के बीच में हो तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस 1, देखिए आइए x माइनस 1 ही हुआ, x में से 1 माइनस हो गया। अच्छा जी अब 2.4 हो तो भी ये 0.4 ही देगा, यानी कि इस बार 2 माइनस हो रहा है तो लीजिए 2 माइनस कर लीजिए, तो x माइनस 1 x माइनस 2 लाइन आ गई। अब बताइए अब आपका 3 माइनस होगा, लीजिए भी 3 माइनस कर लो। सो इस तरीके से एक और क्वेश्चन है उसमें भी ये इसका यूज होगा, तो मैं इसको बना के रखूंगा, ठीक है जी। या कोई डाउट अभी, ठीक है। माइनस 1 से 0 के बीच में देखिए, माइनस 1 और 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 और 0 के बीच में कौन सा ग्राफ आएगा, देखिए देखिए पुट करें, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर आपने मान लो पुट किया माइनस 0.4, ये वैल्यू क्या देगा, वैल्यू 1 ऐड करके देगा, वन माइनस यानी कि 0.6 देगा, ऐसे ही है, हाँ ठीक है। माइनस वन और जीरो के बीच में अगर आप कुछ पुट कर रहे हो तो हाँ बिल्कुल यही देगा, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू है, सो आपका ये एक्स था और एक्स में क्या ऐड कर रहे हैं, हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है जी। एक्स में हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, देखिए 0.6, फिर एक्स में हम 2 ऐड करेंगे, देखिए इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ बना ये फ्रैक्शन पार्ट एक्स का है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इसकी रेंज क्या है, 0, 1 के बीच में है, ये 0.1 है, ये 0, 1 के बीच में इसकी रेंज है। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, है ना। चलिए मैंने तो फंक्शन बता ही दिया, फ्रैक्शन पार्ट पूरा आपको, है ना, अच्छे से। अब आप ये बताइए कि इसमें जिसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें इसका क्या यूज है, 2 माइनस एच कहां पे है अभी, 2 माइनस एच जो है हमारा वो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यहां कहीं है, ये 2 में से एच माइनस हो रहा है तो यहां कहीं है, सो यहां 2 माइनस एच है, दिख रहा होगा, देखता हूं मैं आपको, दिख रहा है 2 माइनस एच, हाँ गुड विजिबल है। सो 2 माइनस एच मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां कहीं है,
और टू माइनस एच अगर यहाँ है तो y इक्वल टू एक्स लाइन में से x माइनस वन, ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू x है, ये x माइनस वन लाइन है, सो x माइनस वन आने वाली है वैल्यू इसकी, यानी कि ये अगर x है तो इसमें से वन माइनस होने वाला है, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू माइनस एच और माइनस वन, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो ये आ गया, टू माइनस वन वन होता है, वन माइनस एच, अब आप लिमिट पुट कर दो इसके अंदर, सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, सो ये इसकी क्या गई, लिमिट आ गई है ना। अब हमने ये टू के ऊपर निकाल लिया, फाइंड आउट कर ली लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं एफ एक्स की टू के ऊपर ही, इस बार मैं टू प्लस एच करूंगा है ना, चलिए देखते हैं। तो यहां मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने जा रहा हूं, मैं यही लिख देता हूं, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू। सो राइट हैंड लिमिट अगर टू के ऊपर देखते हैं तो राइट हैंड साइड से आप टू की तरफ अप्रोच करोगे, वैसे तो पता ही लग रहा है ना, यहां भी आपको क्लियर हो गया था कि लेफ्ट हैंड साइड से आप टू की तरफ अप्रोच कर रहे थे तो आपका ग्राफ किधर जा रहा था, वन की तरफ जा रहा था, लेकिन ग्राफ कली नहीं किया हमने, ऐसे कर लिया क्योंकि ये मेथड पड़ा हुआ है। हाँ जी, राइट हैंड साइड से हम टू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हमारा ग्राफ जीरो की तरफ जा रहा है, वो हमें क्लियर हो गया कि जीरो लिमिट आने वाली है, लेकिन मैं फिर दोबारा से इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसके अंदर इस बार क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट है तो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर आएगा टू प्लस एच, यानी कि किस में जाएगा, यहां कहीं होगा टू प्लस एच, यानी कि कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन के ऊपर आ रहा है, ये x है, ये x माइनस वन, ये x माइनस टू है, यानी कि इसमें टू माइनस होने वाला है, यानी कि टू प्लस एच माइनस टू क्या आ गया, h आ गया। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट क्या पुट होगी, जीरो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ रही है, और राइट हैंड लिमिट हमारी जीरो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमने कैसे किया, बिना ग्राफ के भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए देखिए बेटे, इसमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू क्या है, टू, तो यहां सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हमने, है ना, चलिए भाई करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, टू के ऊपर ही फाइंड आउट करना है, तो टू प्लस एच, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टू प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो टू माइनस एच, है ना, सो यहां आ जाएगा टू माइनस एच प्लस वन बाय टू ब्रैकेट के अंदर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट टू माइनस एच, ओके, चलिए टू माइनस एच का होल स्क्वायर, सॉरी टू माइनस एच का होल स्क्वायर, सो ये आ गया हमारे पास। अब बेटे हम क्या करेंगे, यहां लिमिट जो है हमारी एच टेंड्स टू की तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, देखिए भाई टू में से तो बहुत ही मामूली सा नंबर माइनस हो रहा है, और फिर बहुत ही मतलब थोड़ा अच्छा नंबर जो है वो ऐड हो रहा है, यानी कि हाफ ऐड हो रहा है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी आएगा वो टू पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि वन से बड़ा नहीं आएगा, नहीं तो थ्री पॉइंट समथिंग लिखता मैं इसको, है ना, मेरी बात समझिए, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ ऐसे आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ब्रैकेट के अंदर ऐसा आ रहा है, और यहां क्या है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इसको ओपन करिए जाएगा फोर प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर एच और फिर फ्रैक्शनल पार्ट, और ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर टू से जब बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने रिलीज कर दिया, जब टू से बड़ा उसके अंदर कुछ भी होता है तो वैल्यू क्या देता है, टू देता है, टू से लेस में वो वन देता है, ये ध्यान रखिए, टू से हल्का सा ग्रेटर है तो ब्रैकेट x क्या देगा, टू देगा, प्लस यहां आएगा फोर प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर एच, यहां एच जीरो पुट कर देंगे, डायरेक्टली हम जीरो पुट कर देंगे, नहीं करेंगे ऐसे, नहीं करेंगे ऐसे, डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं ये नॉन एलिमेंट्री फंक्शन है, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पता है ना आपको, करा रखा मैंने, तो यहां नॉन एलिमेंट्री में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्टली जीरो नहीं पुट कर देंगे, या फोर लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, चलिए देखिए भाई एक बात तो क्लियर है कि ये है फोर, फोर का तो कोई रोल ही नहीं है, फोर कैसा नंबर है, इंटीग्रल नंबर है, फोर से भी लेना देना ही नहीं हमें, फोर को तो वैसे साइड कर सकते हो, ठीक है जी, फोर को वैसे ही हम क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, चलिए फोर को हटा दिया हमने यहां से, फोर हट गया, क्यों, क्योंकि अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 4.9 है तो वैल्यू क्या देता है, हमेशा 0.9 देता है, मतलब उसको किससे होता है, इससे होता है, तो फोर तो का तो रोल ही नहीं है, फोर को वैसे हटा दो, चलो मैंने हटा दिया फोर, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ गया एच स्क्वायर माइनस फोर एच, ओके, अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो आया वो आया एच स्क्वायर माइनस फोर एच, यानी कि एच एक बहुत ही माइन्यूट नंबर है, बहुत ही माइन्यूट नंबर है, और उसका स्क्वायर किया जा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए एच कैसा नंबर है, 0.01 है, मान लो वैसे है तो बहुत ही माइन्यूट नंबर, इसका स्क्वायर किया जा रहा है, और उसमें से 4 और फिर 0.01,
क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा सोचो भाई, और लिमिट क्या है यहाँ, एच टेंड्स टू जीरो, सोचिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सोचिए एक ऐसा नंबर आने वाला है। हाँ जी, ये बहुत ही माइन्यूट नंबर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही माइन्यूट नंबर है और 0.001 होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हो रहा है ये आ जाएगा 0. इस तरीके से आएगा, और फिर उसमें से ये नंबर माइनस हो रहा है मान लो 0.04, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और जीरो से लेफ्ट साइड में आएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस का 0. समथिंग आ रहा है प्लस 2, और ये है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये सब तो सोचना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए अब फ्रैक्शन पार्ट को यहां से ध्यान से देखिए, ये फ्रैक्शन पार्ट रहा आपका ये वाला। चलिए माइनस में ये नंबर यहां होगा भी, ये वाला जिस जो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर है माइनस वाला, ये यहां कहीं होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है एक्स प्लस वन, यानी कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, यानी कि टू प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि 0. समथिंग में वन एड होने वाला है, 0. समथिंग में क्या एड होने वाला है, वन एड होने वाला है, यानी कि ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या एड होने वाला है वन, तो वन प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। अब आप लिमिट इसमें पुट कर सकते हो, लिमिट अब आप पुट कर दोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगी लिमिट 3 आएगी, है ना, लिमिट ये लिखी हुई है ना, सो दैट विल बी 3 क्योंकि ये पूरा 0 जाएगा। ओके, सो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में कहानी वैसे ही है, यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। चलिए देखिए भाई, 2 प्लस एच, और फिर यहाँ क्या आएगा 2 प्लस एच, 2 प्लस हाफ प्लस एच, गड़बड़ तो नहीं हुई है, जरा चेक करिए, 2 प्लस एच प्लस हाफ, 2 प्लस एच प्लस हाफ, और 2 से ये क्या हो जा रहा है ग्रेटर हो जा रहा है ना, तो वैल्यू यहाँ क्या आने वाली, इस बार यहाँ वैल्यू सेम ही आएगी, यहाँ भी कहानी वही है, 2 प्लस 2 समथिंग आएगा, है ना, और यहाँ क्या होगा, हाँ यहाँ जरूर चेंज होगा, क्या आएगा 20a² प्लस 20² प्लस 2ab, ये आएगा। ओके, सो ये तो ये आ जाएगा यहाँ 2, ओके 2 प्लस ये एच स्क्वायर प्लस 4h। देखिए चेक करेंगे जरा, एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है जी। अब आप क्या करो, 4h प्लस एच स्क्वायर, तो इस बार जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है इसमें कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर के लिए वैल्यू क्या देगा ये, हाँ जी पॉजिटिव नंबर के लिए फ्रैक्शन पार्ट वैल्यू देगा x, ये यहाँ पे कहीं पे है, ये हमारा एच स्क्वायर प्लस 4h पॉजिटिव है ना, अंदर 0 से हल्का सा बड़ा, तो यहाँ आएगा वाई इक्वल एक्स लाइन के ऊपर, तो सिंपली एच स्क्वायर प्लस 4h ही आ जाएगा, और प्लस क्या है 2, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अरे भाई ये एक्स ही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो आप पुट करो 0 इसके अंदर, तो इसकी लिमिट क्या आ रही है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई थी ये 2 आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो इसलिए इसका फायदा मैंने आपको बता दिया कि हर कोई क्वेश्चन ग्राफ से नहीं होता कई बार, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन, ये मैंने 2 और लिखे हैं, अच्छे क्वेश्चन है ना, मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा इसके अच्छे से आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ बढ़ूंगा, है ना। चलिए इसको देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/4 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट कौन सा वाला ये पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं क्या हम, ध्यान से देख लो भाई, क्या अगर ऐसे ब्रैकेट लगा हो तो आप क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एज्यूम कर लोगे कैसे, हाँ जी। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटे, जब तक हमें दिया ना हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप लेट नहीं करोगे ऐसे, है ना। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है पहले, फिर राइट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ेंगे, करते हैं अभी सॉल्व इसे। ओके, यहाँ ये दिया हुआ है कि ये आपका जो ब्रैकेट है ये कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट, पहले तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ, ऐसे लिमिट फाइंड आउट करना सही नहीं है, एक साइन में कॉस में, तो उसको देखिए मैं एक काम करता हूँ, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और डिवाइड कर देता हूँ तो दोनों के पास ऐसे पहुंच जाएगा ये। ओके, हाँ कुछ गलत किया क्या हमने, ऐसा अच्छा क्यों कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बेटे ये बनेगा आपका 1/√2 इंटू साइन एक्स, 1/√2 इंटू कॉस एक्स, साइन इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं बन रहा क्या, बिल्कुल बन रहा है,
यानी कि sin x into cos pi by 4 plus cos x into sin pi by 4, यानी कि किसका फार्मूला है, sin a plus b का फार्मूला। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, देखिए ये है अंडर रूट 2, ये आ जाएगा sin x into cos pi by 4, 1 by root 2 वैल्यू होती है 45 पे, है ना, प्लस cos a into sin pi by 4, ये भी 1 by root 2। तो मींस मेरा कहने का है ये पूरा ही फार्मूला है sin into cos b plus cos a into sin b, यानी कि ये है sin x plus pi by 4। So, यहां मैं लिख देता हूं x plus pi by 4। So, एक मिनट, wait, ये sin x plus pi by 4। Okay, so what do you have to do now? हाँ, अब मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो गया, ब्रैकेट ये लगा दिया भाई, आप ब्रैकेट ये चलिए, लिमिट क्या है वही हमारी लिमिट तो अभी वही चल रही है, अभी लिमिट क्या हम लिखे, चलो ऐसे लिख देता हूँ x टेंड्स टू 5 पाई बाय 4 माइनस, ये ज़्यादा सही है ना, चलिए अभी h हमने नहीं लिया तो h ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 5 पाई बाय 4 माइनस। ओके चलिए अब h की बात कर लेते हैं, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इसी में लिमिट एक बहुत ही छोटा सा नंबर उसमें से माइनस कर देता हूँ 5 पाई बाय 4 में, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन x की जगह आ जाएगा पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 माइनस h और प्लस क्या आ जाएगा बेटे पाई बाय 4 ये आ गया। अच्छा 5 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को मैं ऐड करता हूं, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ये 3 पाई बाय 2 बन रहा है, 6 पाई बाय 4 अपॉन 4 3 पाई बाय 2। ओके सो ये मैं यहां लिख लेता हूं 3 पाई बाय 2, क्यों लिखा, फार्मूला बन रहा है ये हमारा, कौन सा फार्मूला बन रहा है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, जब आप 3D में जाओगे तो ऑक्टेंट्स चलते हैं, इसमें क्वाड्रेंट चलेंगे। देखिए यहां आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये साइन, देखिए ये 0 से 90, 90 से हमारे टी, 180 से 270, तो इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा ना, इससे बड़ा ही नहीं आ गई, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसेक होता है, इसमें टेन होता है, इसमें कौन होता है, कॉसेक होता है, तो यहाँ टेन होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आने वाला है ये, और 3 पाई बाय 2 है तो साइन चेंज करेगा इसमें, कॉस में चेंज करेगा, है ना, यानी कि 270 पे चेंज करता है, ठीक है, तो 270 में चेंज करता है, 90 पे चेंज करता है, तो ये आ गया कॉस एच और माइनस का साइन आएगा, ये आ गया। अब अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं यहाँ एच जीरो भेज भी देता हूं अंदर, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ये हमारा आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस रूट टू है, यानी माइनस 1.4 समथिंग है, तो ये तो भाई क्या हो गया, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस रूट टू है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस, ठीक है, माइनस टू और माइनस वन के बीच में अगर होगा तो माइनस टू होगा, तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, यहाँ 5 बाय 4 प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ भी प्लस आ जाएगा, है ना, और फिर यहाँ भी हम वही काम नहीं करेंगे, यहाँ 3 पाई बाय 2 प्लस एच आ जाएगा, भाई कर लेना, ये समझ लो मैंने क्या कर दिया भैया, है ना, चलो किस क्वार्टर में जा रहा है इस बार, इस बार फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में तो ये पॉजिटिव आने वाला भाई, साइन सीधा सीधा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कॉस एच आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा कॉस एच। ओके तो साइन 5 पाई बाय 4 प्लस एच, हाँ सही है, ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस एच, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एच किस क्वाड्रेंट में गया, ये इसमें गया है ना, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, साइन ही पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आने वाला है, तो माइनस का कॉस यही आएगा, फिर से वही आगे कहानी, फिर वही कहानी आगे, माइनस टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो मैंने नीचे लिखा फाइव नंबर, फाइव नंबर देखने में थोड़ा लग रहा है भी खतरनाक टाइप है, बट है कुछ भी नहीं इसमें भी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो ये है हमारा अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अगर होता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स माइनस थ्री, ये लिख सकते हैं। अब इसको आप करिए सॉल्व, ठीक है जी। चलिए अब आप ट्राई करिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए पहले, फिर राइट हैंड लिमिट की तरफ बढ़िए, चलिए हो जाएगा भी, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी, बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड लिमिट किस में चलेगी, इसी में चलेगी, सब कुछ इसी में चलने वाला है, करिए, ठीक है। सो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस करूं क्या भाई, चलो करते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू
थ्री माइनस और फिर क्या आ जाएगा मॉड के अंदर आ जाएगा जो भी है लिख लेता हूँ उसको ये अपॉन एक्स माइनस थ्री आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड के अंदर एक्स माइनस एच माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस एच माइनस थ्री यही है ना कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ था क्या सही है सब है ना गुड सर अब इसको क्या करेंगे थ्री माइनस एच गड़बड़ हो रही है थ्री माइनस एच था ये क्या कर दिया हाँ थ्री माइनस एच था ओ सॉरी थ्री माइनस एच अपॉन थ्री थ्री में एच माइनस करें एक्स की जगह थ्री माइनस एच कुछ कर रहे हैं अब कैंसिल आउट करना जो हो रहा है वैल्यू क्या आएगी इसकी इसकी माइनस वन आएगी अगले वाले वन आएगी बस क्या था यार इसमें था ही कुछ नहीं है ना ये तो कैसे हो गया ये माइनस वन आ रही है लिमिट और अगले जो नेक्स्ट है राइट लिमिट ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया हमने राइट लिमिट में क्या होगा बेटे मैं बता ही देता हूँ थ्री प्लस एच आएगा ये कैंसिल हो जाएगा सब पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा दोनों ही मतलब समझो दोनों पॉजिटिव आएंगे दोनों ही जब पॉजिटिव आएंगे जैसे यहाँ आ जाएगा थ्री प्लस एच और थ्री प्लस एच ठीक है हाँ दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसमें प्लस वन आ जाएगा मतलब समझ लो तो ये हमने राइट हैंड लिमिट भी यहाँ फाइंड आउट कर दी चलो साथ में लिख देता हूँ ठीक है जी तो प्लस वन आएगी यानी कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एग्जैक्टली जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी वन आएगी चलिए बेटे ओके बेटे थैंक यू ये हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर यहाँ